मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला से छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में गत 15 फरवरी को ईटा भट्टी में कार्य करने आए मजदूर आज खाने पीने की व्यवस्था में भारी अभाव के चलते लॉकडाउन रहने के बावजूद हिम्मत कर भानु प्रतापपुर से रायपुर जाने वाली रेल पटरी मार्ग से पैदल वापस अपने गृह ग्राम जा रहे थे, जिसकी जानकारी डोंडी नायब तहसीलदार नितिन ठाकुर व थाना प्रभारी अनिल ठाकुर को मिली, जिसके बाद पुलिस ने सभी मजदूरों को डोंडी घुरवा टोला रेलवे ब्रिज के पास रोक कर उनसे पूरी जानकारी लेकर वापस भानु प्रतापपुर जाने को कहा। साथ ही सुबह से निकले भूखे प्यासे तड़पते मजदूरों को तत्काल बिस्कुट व चाय व पानी पिलाकर सभी को मास्क व सैनिटाइजर दिया गया। इन दिहाड़ी मजदूरों ने पुलिस को बताया कि वे भानु प्रतापपुर के रुपेंद्र मरकाम के यहाँ ईट भट्टे में काम करने मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला से आए हैं। लॉकडाउन लगने के बाद भट्टी मालिक द्वारा साबुन तेल और अन्य आवश्यक जरूरत की सामग्री देना तो दूर, खाना भी ढंग से नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते वे लोग अपने घर जाने को विवश हो गए। वहीं नायब तहसीलदार नितिन ठाकुर और थाना प्रभारी अनिल ठाकुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार उन मजदूरों के लिए खाने की सुविधा मुहैया करवाई गई। पिछले 25 दिनों से लगातार भाजपा मंडल डोंडी के अध्यक्ष मनीष झा, अजय चौहान, संजय मानकर के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों को गर्म भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, जिनके द्वारा आज भी भानु प्रतापपुर से पहुंचे 11 मजदूरों को भोजन कराकर शासन व प्रशासन का सहयोग किया गया। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।